मुरादाबाद के गरशही थाना क्षेत्र स्थित एक निजी नर्सिंग होम में देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने इलाके में दहशत फैला दी। फायर ब्रिगेड की मदद से दर्जनों मरीजों को रेस्क्यू करके दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। आग इस कदर भयंकर लगी थी कि कुछ देर में ही दो मंजिला बड़े नर्सिंग होम को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण पूरा अस्पताल ही जलकर खाक हो गया। आग लगने का CCTV सामने आ गया है। इस आग में आधा दर्जन से अधिक बाइक भी जलकर नष्ट हो गई हैं। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल घटना देर रात 2:30 बजे की बताई जा रही है। गरशही थाना क्षेत्र के गांधीनगर स्थित जिज्ञासा नर्सिंग होम में गेट के बाहर लगे बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग फैलनी शुरू हो गई और गेट के पास खड़ी बाइक धू धू कर जलने लगी। देर रात होने के चलते जब तक अस्पताल के लोग कुछ कर पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और देखते ही देखते पूरे नर्सिंग होम को अपनी चपेट में ले लिया। इसी बीच फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई और अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले अस्पताल में फंसे मरीजों और तीमारदारों को वहां से शिफ्ट कराया गया और फिर आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन तब तक आग ऊपरी मंजिल में भी फैल गई थी। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन इतना सब प्रयास करने के बाद भी पूरा नर्सिंग होम जलकर खत्म हो गया। नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर CP सिंह का कहना है कि अभी नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। जिज्ञासा नर्सिंग होम के नाम से मेरा क्लिनिक है, ये करीब 17-18 साल से गांधीनगर में चल रहा है। रात 2:30 बजे करीब जो बिजली का मीटर लगा था हॉस्पिटल के बाहर, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी। नीचे कुछ बाइक खड़ी थी, फिर उन्होंने आग पकड़ ली। उसकी वजह से पूरे फ्रंट ने आग पकड़ ली और वो फिर बढ़ती चली गई। मरीजों की और जो हॉस्पिटल में लोग थे उनको कैसे निकाला गया, क्या वो हमारे हॉस्पिटल में फायर एग्जिट है पीछे से, हमने सभी को सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाला और अपने दूसरे हॉस्पिटल में तुरंत शिफ्ट कराया। मरीजों किसी को रत्ती भर भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लगभग कितने का नुकसान देखा जा रहा है पूरे हॉस्पिटल? अब ये तो आंकड़े निकल के पता लगेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ पता लगा कि आग कैसे बढ़ी और क्या स्थिति हुई शॉर्ट सर्किट? अभी तो यही लग रहा है शॉर्ट सर्किट से हुई, बाकी तो आगे CCTV फुटेज देखने से पता लगेगा कहीं कुछ किसी ने शैतानी तो नहीं की है, तो वो CCTV से पता लगेगा। मतलब कुल मिलाकर किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है? हाँ, जान माल का किसी को नुकसान नहीं, परिवार के भी सारे लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि घर में भी हमारे दो रास्ते हैं, वहाँ भी फायर एग्जिट है, तो घर के जितने भी मेम्बर्स थे उनको भी सुरक्षित वहाँ से निकाल लिया। मतलब इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि किसी की शरारत भी हो सकती है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, बीती रात गरशही थाने के आसपास एक आग लगी थी, उसमें क्या कार्रवाई हुई है? हमारे फायर कंट्रोल रूम हेलट रोड पर सूचना प्राप्त हुई लगभग 2:50 पर, जिज्ञासा नर्सिंग होम है गांधीनगर में, उस अस्पताल में आग लगी। इस सूचना पर तत्काल हमारे फायर स्टेशन से कटगढ़ मैसेज किया गया। कटगढ़ की एक मोटर फायर इंजन और FSO साहब रवाना हो गए। यहाँ से एक गाड़ी भेजी गई, जाकर के देखा कि आग काफ़ी बड़ी थी, तो अन्य गाड़ी को हमने रवाना किया गया। मौके पर हमारी 5 गाड़ियाँ पहुँचा, मैं खुद स्वयं गया और हमारे जो अग्निशमन अधिकारी कटघर के अलावा FSO हेलट रोड और 5 गाड़ियों के साथ हमने वहाँ पर अग्निशमन कार्य किया। जाकर के देखा कि आग काफ़ी बड़ी मात्रा में लगी हुई थी और अफरातफरी का माहौल था, क्योंकि आग देर जाड़ों का टाइम होने की वजह से संभवतः आग पहले लगी रही होगी, और जब किसी की आंखें खुली जिसकी नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा तो तब तक आग काफ़ी फैल चुकी होगी अंदर ही अंदर। तो हमारी टीम ने बड़ी मशक्कत के साथ में आग पर काबू पाया और उसमें जितने लोग थे लगभग 28 लोग थे उनको सकुशल बाहर निकाला और आग बुझा। सर, कितने समय में ये आग बुझी और कितना नुकसान होने का अंदेशा है? इसमें लगभग 1 घंटा लगभग लगा होगा, हमने 1 घंटे में इसको आपको नियंत्रण कर लिया था। रही नुकसान की बात, नुकसान का जो आकलन करना वो संबंधित जो मालिक का वो है, वो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है क्या नुकसान हुआ। सर, इसमें कुछ अग्निशमन की अनियमितताएं पाई गई, वहाँ जिला अस्पताल की कोई अनियमितताएं पाई गई हैं क्या? नहीं, उसमें कुछ यंत्र तो लगे थे, ये इसमें इसके बारे में दिखवाया जाएगा कि इसमें क्या व्यवस्थाएं थी और क्या उसमें व्यवस्था तो स्थापित थी उसमें, लेकिन वो उस दौरान संभवत है कि जैसे आग लगी और लोग बदहवास हो जाते हैं तो निकलने का ही प्रयास किया जाता है,
तो शायद इस वजह से उसका प्रयोग कम कर पाए।